हेलो। तो आज थोड़ी सी लाइट कम हो गई है, तो आई होप ये जो बीच में साइन कर रहा था और लाइट पे ही फोकस कर रहा था वो खत्म हो गया। लाइट की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिए तो आज आ सकती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आज का जो टॉपिक है, आज का कोई टॉपिक मतलब अलग से नहीं लिखे, आज का नॉर्मल से वही टॉपिक रहेगा कल वाला, कार्डियोलॉजी। कि कल लगभग लेक्चर जो था वो 1 घंटा 4 मिनट का गया था, उसके बाद जो टॉपिक कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ था। तो आज हम लोग कम्प्लीटली बस उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उसमें जो कुछ छूटा है उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्डियोलॉजी के बारे में आगे अब। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी में अब हमें पढ़ना है 3 4 चीजों के बारे में, 3 4 जो टर्म्स आ रहे हैं, जिसमें हमारा आता है पहला स्टेथोस्कोप। और स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और लास्ट वाला आएगा ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ, ग्राफ ही होता है, कहीं कहीं ग्राफ भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ग्राम भी लिखा रहता है, तो हम इसको ग्राफ ले लेते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का मेजर रोल होता है, इन्हीं के बारे में यूज किया जाता है। अगर स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप का सिंपल सा रोल होता है क्या, हार्ट बीट मेजर करना, हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन को मापना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रोल होता है हार्ट बीट मेजर करना, हृदय की स्पंदन, हृदय की धड़कन को नापना। ठीक है, और इसके साथ अगर हम स्फैग्मोमैनोमीटर की बात करें तो इसमें दो प्रेशर आता है, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होता है। इसको 120/80 mmHg, मतलब mm पर मरकरी के हिसाब से दिखाया जाता है, एच कैपिटल में रहता है, एच जी में। ठीक है, ये नॉर्मल बीपी होती है, मतलब इस स्फैग्मोमैनोमीटर जो है ये क्या करने के लिए काम करता है, ये बीपी मेजर करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कंप्लीटली बीपी मेजर करता है, मतलब बीपी नापने का काम करता है, इसका यही मेन काम होता है कंप्लीटली। स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, हृदय स्पंदन का या फिर हृदय धड़कन यानी हार्ट बीट को मेजर करना। स्फैग्मोमैनोमीटर का क्या काम होता है, वो प्रेशर मेजर करता है, किसका प्रेशर मेजर करता है, आर्टरीज का प्रेशर मेजर करता है। जो हमारा बीपी मेजर करता है, तो बीपी में हमारा एक ये बीपी होता है, यहाँ पर जो आर्टरी होती है उसका मेजर, उसका प्रेशर मेजर किया जाता है, और दूसरा जो यहाँ पर बांधा जाता है, तो ये साइड में, यानी अगर हम अपना हाथ स्ट्रेट करते हैं तो यहाँ साइड में एक नस गई रहती है, वो आर्टरीज रहती है, जिसको कस के मतलब बाइंड करके हवा, मतलब हवा भर के प्रेशर दिया जाता है। तो वो जो आर्टरी होती है वो मतलब थोड़ा सा स्वेल होती है, डाउन होती है, स्वेल होती है, डाउन होती है, वही हमारा मतलब एट्रियम प्रेशर होता है, और वही हमारा स्फैग्मोमैनोमीटर में आता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो 120 है, ये आर्टरीज के स्वेलिंग, आर्टरीज के स्वेलिंग के प्रेशर को बताता है। स्वेलिंग मतलब धमनियों के सूलन, सूजन, यानी धमनियों में जब अब हार्ट क्या किया, हार्ट जो है प्रेशर दिया, तो हार्ट एक प्रेशर को छोड़ा, तो धमनी में वो प्रेशर तरंग गई, तो 120 जो है वो धमनियों के प्रेशर के उठने के समय को बताता है, और जो 80 है वो शिथिलन के समय को बताता है। तो 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है, जो ये प्रकुचन दाब है, प्रकुचन दाब मतलब उठने का दाब है, वो मतलब स्वेल होने का प्रेशर है, और जो 80 mmHg है, 80 mmHg उसके शिथिलन का दाब है और मतलब रिलैक्स होने का प्रेशर है। ठीक है, तो इस स्फैग्मोमैनोमीटर का ये काम हो गया। अब अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। कल का बहुत सा पॉइंट छूटा रह गया था और कल का टॉपिक भी जो था, जो लोग पहले नहीं पढ़े होंगे थोड़ा भी, उनके लिए टॉपिक कल का बहुत हार्ड रहा होगा, और कल की जो जो पॉइंट छूटी थी आज उन्हीं पे डिस्कशन करने वाला, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा हमारा ब्लड ग्रुप चलेगा। तो आज का जो मतलब आज के जो हम नोटिस दे रहे, नोटिस में दो ही टॉपिक का जिक्र भी किया गया था कि हम लोग कार्डियोग्राफी के बचे हुए टॉपिक और हिमेटोलॉजी के बचे हुए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ हम लोग ये जो जितना भी हार्ट से रिलेटेड टॉपिक बचाया गया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो
एक पॉइंट हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ हो जाएगा समझना। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो राइट एट्रियम होता है वो लेफ्ट एट्रियम से कोइटस स्टेज में जुड़ा रहता है, अर्थात शिशु अवस्था में या फिर गर्भावस्था में राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद से कम्प्लीटली जुड़ा रहता है। उसके पीछे रीजन होता है कि शिशु भ्रूण अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में जो मतलब गर्भाशय है उसमें बेबी रहता है, अमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है, तो उसके 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 अंदर उतना फ्लूइड नहीं रहता है, तो मतलब उसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा रहता है जिसके कारण उसको सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम वो सब ब्लड सप्लाई करने की जरूरत उसको नहीं पड़ती, तो कम्प्लीटली वो उसी तरह रेस्ट फेज में रहता है, उसके लंग्स वर्क नहीं करते, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, एक शॉर्टली अब इसको बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, एक राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इनके बीच पाइपलाइन से एक ऐसे गई रहती है और एक ऐसे गई थी। यहाँ से जो पाइपलाइन गई है ये लंग्स में जाती है, जिसको हम शॉर्टली इधर से ही गुजार के लंग्स में दिखाते हैं, पर वो असल में गई इधर से होती है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यानी जो बाया निलय होता है, बाया निलय की पाइपलाइन यहाँ से निकल के दो भाव में बढ़ के कहाँ जाती है, बॉडी में जाती है। या फिर इसे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो है ये सिस्टेमिक आर्क है। सिस्टेमिक आर्क मतलब दैहिक माध्यमनी है, और ये जो है ये पल्मोनरी आर्क है। पल्मोनरी आर्क मतलब सुषुप्ति माध्यमनी है। ठीक है, एक जो है वो दैहिक माध्यमनी, एक जो है वो सुषुप्ति माध्यमनी है। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ये दोनों आपस में बंधे रहते हैं, मतलब इंटरनली मिक्स नहीं होते। हम कह रहे हैं कि ये दोनों मार्कर है, दोनों मार्कर को हमने ऐसे क्रॉस कराया और आपस में किसी रस्सी से बांध दिया, तो अंदर से मिक्स नहीं है बट ये बंधे हुए हैं। तो ये लिगामेंट से बंधे रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिगामेंट से बंधे रहते हैं, और लिगामेंट का नाम होता है मतलब लिगामेंटस अट्रियोसम कुछ नाम होता है, अट्रियोसम। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। लिगामेंट अट्रियोसम होता है, लिगामेंट मतलब इसको शॉर्टली कह सकते हैं कि ये दोनों लिगामेंट से बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, तो ये इंटरनली नहीं बंधे होते हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नली बंधे होते हैं, मतलब जो मार्कर गुजरे हैं दोनों एक ही पाइपलाइन से गुजर रहे हैं और दोनों का आपस में रस्सी से बांध दिए, तो ऐसा हमारा लिगामेंट लिगामेंटस अट्रियोसम यानी लिगामेंट यानी स्नायु का जोड़ होता है। ठीक है, स्नायु का जोड़ होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इन दोनों के बीच भी एक पाइपलाइन जुड़ी होती है। तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों मार्कर ऐसे इन दोनों के बीच हम एक छोटा सा रिफिल बांध दिए, तो जिससे इसमें का ब्लड उसमें सप्लाई हो सकता है और उसमें का ब्लड इसमें सप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिफिल बांध रहे हैं, और वो जो रिफिल होता है हमारा वो उसको बोलते हैं बोटाली अर्टरी, यानी इन दोनों के बीच, यानी यहाँ पर अगर एक पाइपलाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, दूसरी पाइपलाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों बस कैसे क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे एक दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच एक पतला सा धमनी जुड़ा रहता है, तो ये एक धमनी जुड़ रहा है जिसे हम कहते हैं बोटाली धमनी। इसका वर्क कब होता है, इसका वर्क कोइटस स्टेज में रहता है। जैसे ऊपर वाले में यानी इसके ऊपर वाला जो था यानी क्या था, दायां लिंब और बायां आलिंब, इन दोनों के बीच लिंकेज था, और वो लिंकेज क्या था, फोएटस ओवेलिस। ठीक है, कल का हम आप लोगों को बताया था मतलब फिटेरिस ओवेलिस जो था, मतलब एक होल पाया जाता है जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, तो सेम है एक बोटाली मतलब एक बोटाली वेन पाई मतलब बोटाली आर्टरी पाई जाती है जो कि किसको जोड़ने का काम करती है, हमारे पल्मोनरी आर्क यानी फुफ्फुसीय धमनी को जोड़ने के लिए तो काम करती है, और सिस्टेमिक आर्क यानी दैहिक मा धमनी को जोड़ने का काम करती है। तो ये एक पॉइंट कल का था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, रेयर था, काफी डीप था, तो हम सोचते कि इसको बताया ना बताया इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर सोचे कि आज बता देना चाहिए। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आ गया, और अभी हम पूरा कंप्लीट बायोलॉजी नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम जनरल लेक्चर ले रहे हैं, तो अब इसमें भी जो मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, उसको बता देते हैं। इसका जो एक पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले बीपी किसने चेक किया, किसने चेक किया और कब चेक किया, तो स्टेफन हेल्स एक है, स्टेफन हेल्स, इन्होंने सबसे पहले एक घोड़ी में मेयर मेयर मतलब घोड़ी, ठीक है, घोड़े का फिंगर वर्जन, उसमें बीपी को चेक किया था सन 1733 में।
उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया, डेवलप करके अच्छे से इसको स्फैग्मोमैनोमीटर को काफी अच्छे से डेवलप कर दिया गया। तो एक ये जीके का पॉइंट मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एक ये जीके का पॉइंट मिल रहा है, तो एक हम इसको ले लेते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कम्प्लीटली ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को समझना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत छोटा टॉपिक है और इसको हम लोग ज्यादातर टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में देखते भी हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ईसीजी की, इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ, ठीक है। और अगर इसको समझना है तो इसका एक सिंपल सा चित्र बना रहे हैं, कैसा, एक हम टीवी स्क्रीन बना दिए, टीवी स्क्रीन में एक हम ऐसे बीटिंग दिखा दिए और फिर एक ऐसे बीटिंग दिखा दिए, फिर एक ऐसे बीटिंग दिखा दिए, फिर सेम ऐसा आप लोग जाहिर सी बात है मूवियों में हर्ट बीट को मूव करते हुए जरूर देखे होंगे, किसी मूवी में किसी सीरियल में तो जरूर ऐसा होता है। तो इसमें ये जो चीजें हैं ये किसी हर्ट की एक निश्चित अवस्था को बताती है और एमए बेग भी एक निश्चित अवस्था का होता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है 0.1 सेकंड का होगा, इसके बीच में ब्रेक 0.1 सेकंड का होगा, फिर ये जो मूवमेंट होगा ये 0.3 सेकंड का होगा, फिर 0.1 सेकंड का ब्रेक, फिर 0.1, तो ऐसे अगर सारा मिलाएंगे तो कम्प्लीटली 0.8 सेकंड जाता है। तो उसके पीछे रीजन होता है कार्डिक आउटपुट के बारे में, ठीक है। कार्डिक आउटपुट हृदय निकासी, CARDAIC, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है हृदय निकास। हृदय निकास को हम लोग मेजर करते हैं, कैसे मेजर करेंगे, बीट पर मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो इसका कम वन हर्ट कार्डिक साइकिल का पता चलेगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट कितना है, अगर 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट 72 है तो हम इसको फॉर्मूला कर लीजिए, 72 72 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.8 सेकंड जनरली आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी को कार्डिक आउटपुट कहा जाता है कि 72 to 75 पर मिनट बीट पर मिनट अगर हम लोग कराए तो एक एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 सेकंड कर दिए और इतनी बीट है, तो 1 हर्ट कार्डिक साइकिल एक बार में कितने, एक बार जब हर्ट बीट करा तो उसमें कितना टाइम लग रहा है वही निकालना होता है और उसी को कहते हैं हम कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम इसका इसका एक दो न्यूमेरिकल हम नीट में देखे थे तो हम सोचे थे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बता देना चाहिए और इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विद्युत हेड लेग की, तो उसके बारे में भी हम आप लोग को बता देते हैं कम्प्लीटली। इसमें 3 प्रेशर होते हैं, वो प्रेशर क्या क्या होते हैं, जैसे एक प्रेशर जो होता है वो पी प्रेशर होता है, ठीक है। फिर दूसरा में एक सम्मिश्र सम्मिश्र प्रेशर होता है, जैसे हम इसको नॉर्मली ऐसे ऐसे कुछ दिखा के, जिसमें हमारा क्यू आर एस, उसके बाद फिर कुछ नॉर्मल दिखाने के बाद टी पी क्यू सॉरी क्यू आर एस, ये हमारा हार्ट बीट का ये हमारा ईसीजी का फंक्शन फंक्शन वर्क है, ईसीजी हमारा कंप्लीटली काम कैसे करता है ये उसी का वर्क है। टी जो है ये एक प्रेशर को बता रहा है, क्यू आर एस जो है ये अपने एक अलग प्रेशर को बता रहा है और जो टी है ये अपने एक अलग प्रेशर को बता रहा है। तो पी जो वेव इसमें जो पी होता है इसको हम लोग नॉर्मली वेव कह सकते हैं, वेव यानी तरंग कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पी वाला हमारा ये पी और टी ये दोनों वेव होते हैं, ये दोनों तरंग होते हैं। टी वाला भी क्या होता है, तरंग होता है, वेव होता है। और ये जो क्यू दोनों जगह रख दिए सॉरी यहाँ ऐसा रहेगा, किसी का कुछ कमेंट लैग हो रहा है, नहीं सॉरी आपका स्क्रीन लैग हो रहा होगा, यहाँ पर कंप्लीटली चल रहा है, अपने स्क्रीन को अपने देखते रहते हैं कि लैग कर रहा है कि नहीं, हमारा क्लियर चल रहा है, आपका नेट नहीं सही होगा, हमारा लैग करता है तो हमको पता चल जाता है। क्यू आर एस, ठीक है।
तीन प्रेशर आ रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स प्रेशर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये समृद्ध हो जाता है, समृद्ध तरंग हो जाती है, इसको समृद्ध तरंग लेते हैं, ठीक। और जो पी वाला और टी वाला है इसको हम नॉर्मली तरंग में लेते हैं, ये हमारे नॉर्मल तरंग रहते हैं। और जो क्यू आर एस है ये मिश्र तरंग रहता है। तो पी वाला जो होता है ये 0.1 सेकेंड का होता है, उसके बाद ये जो ब्रेकर है ये भी 0.1 सेकेंड का होता है, उसके बाद इन दोनों का जो टाइम है तो ये भी 0.1 सेकेंड। तो इन तीनों को मिला के नॉर्मली 0.3 सेकेंड लिखा जाता है, और फिर इसको 0.1 सेकेंड और इसको 0.1 सेकेंड। अगर कंप्लीट मिला जाए 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो है वो इसका रेस्टिंग फेज 0.1 सेकेंड। यानी अगर हम एक नॉर्मल फेज लेते हैं तो पी का तरंग और क्यू आर एस का तरंग और टी के तरंग और दोनों के बीच की जो विराम अवस्था होती है, और फिर जब हार्ट रेस्ट आता है तो उसकी जो विराम अवस्था होती है, तो उसमें इसका एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी एक हृदय चक्र कार्डिक साइकिल, एक हृदय चक्र कंप्लीट होता है। और जब कंप्लीट लगता है तो पी के तरंग में कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड का। उसके बाद जो विराम अवस्था रहती है वो कितने की होती है, 0.1 सेकेंड की। उसके बाद क्यू आर एस को सम्मिश्र रूप से हम लोग कितना लेते हैं, 0.3 सेकेंड में लेते हैं। उसके बाद फिर जो विराम अवस्था आती है वो 0.1 सेकेंड की। उसके बाद जो टी टी ध्रुव यानी टी का जो तरंग उठ रही है उसको हम लोग किस में लेते हैं, 0.1 सेकेंड में। उसके बाद जो उसके बाद की जो विराम अवस्था आती है वो 0.1 सेकेंड की। तो ये एक हमारा हर्ट्ज साइकिल है, ये हमारा एक क्या है, ईसीजी का हर्ट्ज साइकिल है, जिसमें अलग अलग ब्रेक पर अलग अलग बीट्स हो रही है। और यही हमारा 0.1 मतलब 0.8 सेकेंड एक बार में होता है। और इसमें अगर हम लोग सीटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 72 टू 75 बीट पर मिनट ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा ईसीजी का वर्क होता है, ईसीजी का फंक्शन होता है, ठीक है। एक बार और बता दे रहे हैं, ओके आप लोग कमेंट करते रहिए, हमारा वीडियो सही है, जब लाइव होगा तो हम खुद बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये जो P है, क्यू आर एस है और T है, तो P वाला का क्या है, 0.1 सेकंड का है, ये क्या है, उठने का वेव है, ठीक है। हम एक बार और बता रहे हैं, और ये मतलब रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो एक बार और समझ लें। यहाँ पर हम अलग से रख देते हैं कि P जब उठ रहा है तो अगर मतलब एक एक का फंक्शन बताया, तो ये आलिंद संकुचन का, यानी जब आलिंद संकुचित होते हैं, मतलब हमारे जो अट्रियम है यानी जो ऊपर का लेफ्ट अट्रियम और राइट अट्रियम, दो आलिंद पाए जाते हैं, दो नीले पाए जाते हैं, यानी लेफ्ट अट्रियम और राइट अट्रियम जब दबते हैं तो पी जो है वो 0.1 सेकेंड उनके मतलब डायस्टॉलिक सॉरी सिस्टॉलिक प्रेशर को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद 0.1 सेकेंड का ब्रेक लगता है, फिर क्यू आर एस को सम्मिलित रूप से 0.3 सेकेंड में लिया जाता है, ठीक है। कि क्यू आर एस का अगर देखा जाए तो क्यू आर एस का कंप्लीट काम होता है निलय संकुचन से ठीक पहले का जो प्रेशर, ठीक है। यानी जब निलय संकुचित होने वाली है तो निलय को संकुचित होने में ठीक जो उससे पहले का प्रेशर लग रहा है उसको 0.3 सेकेंड से मेजर किया जाता है। उसके बाद फिर 0.1 सेकेंड का ब्रेक होता है। उसके बाद टी का जो रहता है प्रेशर, टी तरंग का प्रेशर रहता है, निलय संकुचन का जो प्रेशर रहता है उसको 0.1 सेकेंड में लिया जाता है। उसके बाद फिर एक 0.1 सेकेंड का रेस्ट रहता है। अगर कंप्लीट को मिलाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट को मिला रहे हैं, अगर इन सारे को जोड़ दिया जाए तो 0.8 सेकेंड मिल रहा है हमको। हमको कितना मिल रहा है, 0.8 सेकेंड मिल रहा है। और हमारा जो एक कार्डिक साइकिल है वो कितने देर में कंप्लीट होता है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है। और अगर अगर ऐसी बीटिंग आपको देखनी है तो आप लोग सीरियल और मूवी में देखते होंगे कि ऐसा ऐसा मतलब टीवी स्क्रीन में चलता रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक तरंग है, यही वेव होता है, यही ईसीजी होता है, यही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो कि हृदय के मतलब हृदय के रनिंग स्टेट को बताता है, हार्ट के रेट मतलब रनिंग स्टेट को बताता है, हार्ट के रेट को बताता है, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है कि नहीं ईसीजी कैसे काम करता है, और इसमें मतलब जितना कुछ समझा उसमें कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं कोई डाउट है तो हम इसको इस टॉपिक को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कंप्लीटली मिटा देते हैं।
तो अब ये खत्म हो जाता है तो हमारा दूसरा आता है ये, मतलब अब हमारा ब्लड कैसे फ्लो होता है उसको देख लिया जाए। तो इसके लिए आज हम क्लियरली एक मतलब एक तरफ हम आर्टरी लिख लेते हैं, आर्टरी मीन्स धमनी, ठीक है। दूसरी हम बीच में हम एक पाई खींच देते हैं और फिर एक साइड हम लिख देते हैं वेन, वेन मतलब सीरा, ठीक है। अब ब्लैक, ठीक है। अब इधर क्या करते हैं, जो इधर का हमने जगह छोड़ा है इसमें हम क्या करते हैं, एक जगह छोटा सा हर्ट बना लेते हैं, ठीक है। हर्ट बन गया। अब इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम दायां अलिंद, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल बायां अलिंद, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर ट्राइकप्सिड वाल यानी त्रिवदनी का पार्ट पाई जाती है, ये लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल बायां अलिंद, बीच में द्विवदनी बाइकप्सिड वाल पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर दो अर्धचंद्र का पार्टिका है यानी सेमिल्यूनर वॉल पाई जाती है, इसके बारे में हम आप लोग को कल पढ़ा चुके हैं, तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम आज बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करते। हम आज बात करते हैं किसका, कि ये जो हमारा हॉट साइकिल है, हॉट साइकिल चलता कैसे है, ठीक है। हम आज कंप्लीटली इसकी बात करेंगे कि जो हॉट साइकिल है हमारा कार्डिक साइकिल, ये चलता कैसे, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। कल भी इसके बारे में बताए थे, आज इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्टरी और वेन के बीच हमें अंतर को दिखाना है। तो अब उसके अंतर को दिखाने के लिए हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ठीक। तो यहां से निकलता है ब्लड, तो यहां पर क्या मिलती है इसको, धमनी, आर्टरी मिलती है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए तो यहां पर सिस्टेमिक मतलब सिस्टेमिक आर्टरी मिलती है, सिस्टेमिक महा मतलब दैहिक महाधमनी मिलती है। धमनी से होता है वो कहां जाता है, समस्त धमनियों से होता है वो शरीर में जाता है, ठीक है, शरीर मतलब बॉडी में जा रहा है, ठीक है। फिर वहां से वो रिटर्न होता है अब एवं पश्च महाशिरा द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉर्टली लिख दे रहे हैं सिरा यानी वेन, यानी ये सिराओं द्वारा वापस लौटता है रक्त, किसमें लौटता है, अगर पश्च महाशिरा यानी इंफीरियर और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा ये हमारे दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से फिर वो दाएं नीले से निकलता है। अगर देखा जाए इसका रियल स्ट्रक्चर तो इसका रियल स्ट्रक्चर ऐसे ही जाएगा, वो किधर को निकलता है, ऐसे निकलता है, लेकिन हम इसके साइकिल को समझने के लिए इसको इधर से ना दिखा के हम किधर दिखाते हैं, हम इसको इधर से ही दिखाते हैं, और इधर से दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मतलब इसको अगर ऊपर लेके हम कहाँ जाते हैं, लंग्स में लेके जाते हैं, लंग्स मतलब फेफड़े, ठीक है। तो अब जब यहाँ लेके जाते हैं तो हम बीच में इसको ब्रेक लगा देते हैं, स्टॉपेज लगा देते हैं, और बीच में हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पल्मोनरी सॉरी हाँ पल्मोनरी आर्क होता है, पल्मोनरी आर्टरी रहती है, पल्मोनरी आर्टरी माने पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी फुफ्फुसीय महाधमनी होती है, ठीक है। और फिर फुफ्फुसीय महाधमनी से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापस लौटता है कहाँ, बाएं आलिंद में, तो बाएं आलिंद में आके किसमें पहुंच जाता है, पल्मोनरी वेन में पहुंच जाता है, यानी फुफ्फुसीय महाशिरा में पहुंच जाता है, पल्मोनरी वेन में पहुंच जाता है, फुफ्फुसीय महाशिरा में पहुंच जाता है। तो इस साइकिल को हम शॉर्टली बनाए, यहाँ पर दैहिक महाधमनी, छोटी धमनियां, विभिन्न धमनियां यानी मतलब कह सकते हैं सिस्टेमिक आर, सिस्टेमिक आर के बाद स्मॉल आर्टरीज, और स्मॉल आर्टरीज के बाद डिफरेंट मतलब जैसे जैसे हमारे शरीर में आर्टरी, जैसे यहाँ पर जो होती है सिस्टेमिक आर्क होती है, सिस्टेमिक आर्क मतलब सिस्टेमिक आर्टरी होती है, दैहिक महाधमनी होती है, दैहिक महाधमनी यहाँ तक जाती है, अलग अलग जगह पे मोटी मोटी जाती है, फिर जाके यहाँ पर दो पार्ट में बट जाती है, फिर यहाँ से दो पार्ट में नीचे बट जाती है। तो उनके अलग अलग बटने की स्टेज है, तो इनको कहाँ कहाँ कैसे बट रहे हैं हम इसको नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्टली समझ रहे हैं कि मतलब बाएं नीले से रक्त निकल रहा है धमनी के द्वारा, बाएं नीले से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में, ठीक है। वीडियो लाइक तो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि वीडियो लाइक कर सकता है, नहीं वीडियो सही है, ठीक है।
ओके कंप्लीटली वीडियो सही है, दूसरे वाले फोन में हमारे लैग कर रहा है। तो मतलब फिर शरीर से वापस लौटता है, मतलब यहाँ पर पूरे ऑर्गन में ब्लड पहुंचा, पूरे ऑर्गन में ब्लड, मतलब ऑर्गन में ब्लड जब पहुंचा तो पूरा ऑर्गन ब्लड में डूबे हुए, तो यहाँ से फिर वो वेल्स यानी सिराओं द्वारा यानी ये नसों द्वारा है, ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होके कहाँ जाते हैं, दाएं आलिंद में जाते हैं। दाएं आलिंद से फिर वो किस में जाएंगे, ट्राइकप्सिड वाल्व यानी त्रिवालिनी कपाट द्वारा दाएं नीले में जाएंगे। दाएं नीले से निकल के वो फिर किसके होते हुए फेफड़ों तक जाते हैं, पल्मोनरी अर्टरीज होती है लंग्स यानी फेफड़ों तक जाते हैं, फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम यानी दाएं मतलब बाएं आलिंद में आते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको अर्टरी और वेन में अंतर देखना है, यानी धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। तो धमनी और शिरा में मतलब अगर हम इसके मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे जाए तो धमनी की दीवारें मोटी होती है, तो ये कैसे होते हैं, थिक, पहली बात, थिक एंड फैट, मोटे और वसीय रहते हैं, ठीक। और जो वैन होता है ये थिन एंड फ्लेक्सिबल रहता है। थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। धमनी तथा शिरा में अंतर जानना बहुत जरूरी है। हमने धमनी में पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ये थिक और फैट होते हैं, शिरा में पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी धमनी जो रहती है वो थिक मतलब मोटी होती है, मतलब फैट मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, इसके अंदर वसा भरा रहता है, और जो सीरा रहती है ये थिन मतलब पतली रहती है, और फ्लेक्सिबल मतलब कंप्लीटली लचीली रहती है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, अगर इसका दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका इंटरनल वॉल्यूम जो होता है यानी जो अंदर का आयतन होता है वो लेस रहता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख कर हम कि इसका जो वॉल्यूम रहता है यानी अंदर का आयतन रहता है ये लेस होता है, लेस मतलब कम होता है, और इसका अंदर का आयतन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आयतन ज्यादा कम का मतलब क्या है कि जैसे आर्टरी हो गई, तो आर्टरी जो है ये पाइप हो गई इतनी मोटी, और ये मतलब ये हमारी आर्टरी है, बीच का स्पेस कितना है, इतना सा है। और अगर यहां पर हम वेन की बात करें तो ये भी उतनी ही मोटी है, लेकिन इसके बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यही अंतर होता है, ये हमारी धमनी हो गई, इसके बीच का स्पेस इतना सा है सिर्फ, और ये हमारी सीरा हो गई, इसके बीच का स्पेस इतना ज्यादा है, ठीक है। धमनी तथा सीरा में सिंपल सा अंतर है। तीन अस्तर होते हैं, एक जो बाहर वाला है ट्यूनिका एक्सटर्नल होता है, बीच वाला जो है वो ट्यूनिका मीडिया होता है, और जो जब अंदर वाला आता है वो ट्यूनिका इंटरनल होता है। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ये इनका स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो अभी इनके हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अंतर बता रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है यानी इसका जो आयतन होता है वो कम होता है, और जो इसका आयतन होता है, सॉरी इसका दोनों वॉल्यूम लेस लिखे हैं, इसका जो आयतन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, वॉल्यूम ठीक मोटा होता है, इसके अंदर का आयतन थोड़ा सा ज्यादा रहता है और इसके अंदर का आयतन थोड़ा सा कम रहता है, यही अंतर है, ठीक है। क्लासेस प्रॉपरली है ना, ठीक। तो ये अंतर समझ में आ गया, अब इसके आगे का और अंतर समझे। ओके अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो इसमें वाल्व अब्सेंट रहते हैं, किस वाले में, इस वाले में। वाल्व का मतलब हमने कल क्या बताया था, कल हम आप लोग को वाल्व एकदम क्लियर बता चुके थे कि इसमें जो वाल्व है वो क्या है, अब्सेंट है, जबकि इसमें क्या है, वाल्व प्रेजेंट है। अब वाल्व अब्सेंट प्रेजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको समझा दें। तो ये हमारी क्या हो गई, धमनी हो गई, ठीक है, धमनी की पाइपलाइन हो गई, और ये वाली हमारी क्या हो गई, सिरा हो गई, ये वाला हमारा सिरा हो गया, और ये सिरा की पाइपलाइन हो गई, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा वीडियो हमको लग रहा है लैग कर रहा है, नहीं सही है, ठीक है। तो अब वाल्व इसमें अब्सेंट है, इसमें वाल्व अब्सेंट का मतलब क्या है कि ये नॉर्मली ऐसे ही पाया जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई वाल्व नहीं, बीच में कोई रोधक नहीं है, और इसमें वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व प्रेजेंट का मतलब ये तो पहले इसकी लेयर हो गई कि ये तीन स्तरों में बटे रहते हैं, इसके लेयर के बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा थोड़ी देर बाद देंगे, ठीक है। इसके बीच में स्पेस कम है, ये आपको दिख रहा है, इसके बीच में स्पेस ज्यादा है, ये भी आपको दिख रहा है, ये अंतर यानी ये वॉल्यूम थिक और वॉल्यूम लेस वाला आपको अंतर दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वाल्व अब्सेंट है, मतलब ये नॉर्मली ऐसे ही पाई जाती है, लेकिन इसमें वाल्व प्रेजेंट है। वाल्व कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, कुछ कुछ दूरी पर ऐसे ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है।
इसके पीछे पाए जाने का मतलब क्या है कि जब भी हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो ये धमनी से होता हुआ शरीर में जा रहा है, ठीक है। जब भी हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो ये धमनी से होता हुआ शरीर में जा रहा है, तो हार्ट क्या कर रहा है, एक चीज को प्रेशर दे रहा है, हार्ट क्या कर रहा है कंप्लीटली इसको धक्का दे रहा है, तो जब धक्का दे रहा है तो ब्लड वापस आएगा नहीं, इसकी कोई चांस नहीं होते हैं। जबकि शरीर में दौड़ने के बाद जब ब्लड वापस लौटता है तो इसके पास प्रेशर नहीं होता, प्रेशर कंप्लीटली खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड जो है वो वापस आ सकता है, तो वापस आने के लिए रोकने के लिए यहाँ पर जगह जगह सिराओं में क्या लगे रहते हैं, कपाट लगे रहते हैं, वॉल्व लगे रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर आ गया, एक एग्जांपल हम इसको सर्कल कर लिए, एक इसको और एक इसको। मतलब अब अगर किसी कंडीशन में ब्लड वापस लौटता है तो एक प्रेशर यहाँ लगेगा, एक प्रेशर यहाँ लगेगा, एक प्रेशर यहाँ लगेगा, एक प्रेशर यहाँ। किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर। उल्टा लौट रहा है अगर इस दिशा में लौट रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और जब कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड एक ही दिशा में फ्लो करेगा, मतलब ये कुछ ऐसे पाइपलाइंस होती हैं, इधर से वापस जा सकता है, अगर इधर आना होगा तो ये कंप्लीटली उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो वाल्व का मतलब धमनी तथा सिराओं में भी वही होता है, और द्विवलनी कपाट यानी डाई सॉरी यहाँ पर त्रिवलनी ट्राइकप्सिड वाल्व, बाई कप्सिड वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व, उन सब जगह वाल्व जहाँ वाल्व आया, तो वाल्व का मतलब होता है रोधक, यानी वो एक एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में या फिर एक जगह से दूसरे जगह के बीच में रोधक होता है कि आप एक ही दिशा में फ्लो कर सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। तो सेम होता है ब्लड के साथ, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट अंतर जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके नेक की बात करें तो अब इसमें प्रेशर की बात करें तो इसमें अर्टरी में हमेशा प्रेशर पाया जाता है, ठीक है, प्रेशर प्रेजेंट, और इसमें जो रहता है प्रेशर अब्सेंट रहता है। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर अक्सर सही जगह पूछता है, नीट में या फिर यूपीएससी या फिर नॉर्मल कोई भी एग्जाम रहता है जिसमें बायो 15% पाया जाता है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के पूछ देगा, बताइए वाल्व धमनी में प्रेजेंट होता है कि सिरा में प्रेजेंट होता है कि हार्ट में, मतलब वो कहीं से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उठा देता है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा या फिर कंफ्यूजन होगा कि क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा। इसमें बल पाया जाता है, किसमें बल पाया जाता है, धमनी में पाया जाता है, सिरा में बल नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हार्ट से ब्लड बाहर को निकल रहा है, यहाँ ब्लड बाहर को निकला है हार्ट से, तो क्या यूज हुआ है, आर्टरी। यहाँ हार्ट से ब्लड बाहर को निकला है तो क्या यूज हुआ है, आर्टरी। तो हार्ट के प्रेशर को झेलने का काम किसका होता है, आर्टरी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि धमनी की दीवारें मोटी है, तो अब बल पड़ेगा तो धमनी की दीवारें उसको सह सकती हैं। सिरा की दीवारें कैसी होती हैं, थिन, मतलब पतली होती है, तो सिरा पे प्रेशर पड़ेगा तो वो झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए सिरा ब्लड को लाने का काम करती है और धमनी ब्लड को लेके जाने का काम करती है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता है हमको कि धमनी जो होती है हमेशा ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, गो अवे, यानी इसका नॉर्मल भाषा में लिख देते हैं कि धमनी जो है वो लेके दूर जाती है, और जो सिरा है वो टेक नियर, यानी ये इसको पास लाने का काम करती है। किसके पास जाने का काम करती है, हार्ट के पास, यानी जो धमनी है वो हृदय से रक्त को दूर लेके जाने का काम करती है, जो सिरा है वो पास लाने का काम करती है। उसके पीछे रीजन मोटा और पतला होना है, ठीक है, और प्रेशर झेलने के ऊपर होता है। इतना हो जाएगा तो अब इसके कलर, मतलब इसमें एक और पॉइंट मिलता है कि जो आर्टरी है अगर इसमें ब्लड अब्सेंट रहा, यानी किसी कंडीशन में धमनी में रक्त नहीं है, तो ये अगर ऐसे है, ये धमनी होगा ये हमारी, ठीक है, अगर इसमें ब्लड नहीं है तो ये ऐसी के ऐसी पड़ी रहेंगी। जबकि अगर सिरा में ब्लड नहीं रहता है तो ये आपस में कोलैप्स कर जाएंगी। कोलैप्स का मतलब क्या है कि ये आपस में चिपक जाएंगी कंप्लीटली, ठीक है। तो एक और पॉइंट मिल रहा है कि रक्त के न रहने पे, ब्लड के न रहने पे धमनियों के बीच स्पेस उसी तरह बना रहता है, जबकि सिराएं जो होती हैं, यानी जो वेन्स होती हैं, आर्टरी में प्रेशर, मतलब आर्टरी में अगर ब्लड नहीं रहता है तो आर्टरी इसमें ही रुकी रहेंगी, जबकि अगर वेन्स में ब्लड नहीं रहता है तो वेन्स क्या होती है, चिपक जाती है। ये भी हमको एक पॉइंट मिल जाता है कि जो धमनियां होती हैं डू नॉट कोलैप्स एट एब्सेंस ऑफ ब्लड, इसमें हम क्या लिख देते हैं कि डू नॉट कोलैप्स मतलब चिपकना एट एब्सेंस ऑफ ब्लड, यानी रुधिर की अनुपस्थिति में ये जो रहते हैं चिपकते नहीं है। और जो ये वाले हैं, यानी जो सिराएं होती हैं, कोलैप्स एट एब्सेंस ऑफ ब्लड, कि जब रुधिर नहीं पाया जाता है तो ये आपस में क्या होती है, चिपक जाती है, कोलैप्स एट एब्सेंस ऑफ ब्लड,
कि जब सिराओं में रक्त नहीं रहता है, रुधिर नहीं पाया जाता है, तो ऐसे में आपस में चिपक जाती है। एक और अंतर हमको पता चल गया, धमनियों में प्रेशर रहता है तो रक्त ठहरता नहीं है, तो इसका एक और पॉइंट मिल रहा है कि धमनियों में हमेशा 30% ही ब्लड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि धमनियों में प्रेशर है। अब हम कह रहे हैं कि पाइप में प्रेशर है तो बार बार पानी रुक नहीं रहा है, बहता जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर पानी ठहरेगा नहीं, तो उसमें कम ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, तो धमनियों में 30% ऑफ ब्लड पाया जाता है टोटल ट्रैवलिंग ब्लड, और सिराओं में जबकि 30% ऑफ टोटल ट्रैवलिंग ब्लड नहीं पाया जाता है, 70% ऑफ टोटल ट्रैवलिंग ब्लड पाया जाता है। इसके पीछे रीजन है, धमनियों में प्रेशर होता है, रक्त ठहरता नहीं है, सिराओं में प्रेशर नहीं होता है, सिराओं में रक्त कंप्लीटली ठहरता है। ठीक है, टाइम कितना हुआ? 9:05। ठीक है, तो अभी हमको मतलब कंप्लीटली वो भी पढ़ाना है, अभी से जो मतलब परसों का जो टॉपिक छूटा हुआ था हमारा ब्लड ग्रुप वाला जो बताया था, हम आपको आप लोगों को किसी और दिन बताएंगे, वो भी बताना है आज आ रहा है। कल का जो हार्ट का टॉपिक बचा हुआ था, जो जनरल छोटा बहुत थोड़ा उस पॉइंट बचा रहेगा, तो इतना पॉइंट बचा हुआ है। इसके साथ आई होप अभी इसमें कोई और पॉइंट नहीं पाया जा रहा है। एक और पॉइंट आप बता सकते हैं, अगर कलर की बात कर लें तो कलर की बात नहीं हम इसको बताते हैं, तो ये जो अर्टरी में एक और पॉइंट ये मिल रहा है कि जो धमनियां होती हैं वो इनसाइड स्किन होती है, यानी ये त्वचा के अंदर मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है, ये ऊपर हमको देखने को नहीं मिलेगी, और ये एबो एट स्किन सरफेस। एबो एट स्किन सरफेस का मतलब ये त्वचा की सतह पे हमको देखने को मिलता है, मतलब जो सिराएं होती हैं वो नॉर्मली हमें ऐसे देखने को मिल सकती है। सारी जो हमें नसें दिखती हैं ये क्या होती हैं? सिराएं होती हैं, और जो हमें नहीं दिखता है, जो अंदर रहता है, यानी एक यहाँ पर रहता है, ये हमें नहीं दिखता है, इसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, तो ये त्वचा के अंदर मतलब मसल्स के अंदर जुड़ी रहती हैं, और इधर एक धमनी रहती है तो वो भी मसल्स के अंदर रहती है, जबकि इधर से आपको जितनी भी नसें दिखाई देती है वो कम्प्लीटली क्या होती है? सिरा। तो एक और पॉइंट मिलता है कि जो धमनियां होती है इनसाइड द स्किन होती है, इनसाइड द मसल्स होती है, और जो सिराएं होती है यानी जो वेन्स होती है ये एबो द स्किन होती है, एबो द सरफेस स्किन सरफेस होती है, तो ये हमें नॉर्मली ऊपर ऊपर जितनी भी वेन्स होती है वो हमें ऊपर दिखाई देती है, और जितनी भी अर्टरी होती है वो हमें ऊपर नहीं दिखाई देती है। तो एक और ये पॉइंट मिलता है उसके साथ, अगर इनके कलर की बात करें तो जो हमारे सिराएं होती है ब्लू या डार्क रेड होते हैं, सिराए जो होते हैं वो ब्लू या फिर डार्क रेड कलर में होते हैं, और जो धमनियां होती हैं वो पिंक या लाइट रेड कलर में होते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतर है ये कितने पॉइंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 पॉइंट। मतलब धमनी तथा सिरा में 9 से 10 अंतर जानना बहुत जरूरी होता है। जनरली बेसिक एग्जाम में पूछता है कमेंट। ओके, वीडियो नहीं चल रहा है, आवाज आ रही है बस। भाई वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकंड देखते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अभी भी आप लोग का वीडियो नहीं चल रहा है? कमेंट करिए, वीडियो चल रहा है ना प्रॉपरली? हेलो, आप लोग कमेंट करिए, एक दो लोग जरूर कमेंट करिए कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके फाइन, चल रहा है तो ठीक है। हमको लग रहा है पवन जी आज आपका थोड़ा सा नेट नहीं, तो ये इसलिए शायद आपको बार बार लग रहा है कि नेट नहीं चल, मतलब वीडियो रुक जा रहा है। ठीक है, हो सकता है हमारा भी नेट प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद एकदम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अनलिमिटेड नेट का यूज करने वाले हैं। अनलिमिटेड नेट मतलब ऐसे मतलब जियो का पोस्टपेड प्लान नहीं है, ऐसे में हमको अनलिमिटेड नेट मिलेगा, तो हम जितने भी वीडियोज है मतलब पर डे क्लासेस को यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे, यानी मतलब जैसे आपकी क्लासेस हो गए उसको हम 5 से 6 दिन बाद यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो ऐसा कुछ फैसिलिटी करेंगे, लेकिन आगे चल के फिलहाल में अभी जो थोड़ा बहुत फैसिलिटी करनी है उसी को देख रहे हैं। ये जो नेट वाली फैसिलिटी वो हो सकता है तो 10 या 15 दिन या 20 दिन होगा, तो जब अनलिमिटेड नेट रहेगा तो उसकी स्पीड भी 2 से 3 MBPS तक रहेगी, तो वो काफी अच्छे से रहेगा। किसी का माइक ऑन है वो प्लीज बंद कर लें। ठीक है, तो जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर लें अपना माइक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब ये सारे अंतर हो गए, ठीक है, अंतर को अब ये जितने भी डिफरेंस है उनको कम्प्लीटली मिटा देते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पे, यानी एक पार्ट तो ये हो गया, 20 मिनट में हमको खत्म करना है, 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट में हमको खत्म करना है कम्प्लीटली। दूसरा पार्ट है इसका
ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है। ब्लड ग्रुप क्या है, किसने खोजा, कैसे कैसे होता है, क्या क्या डिवीजन होता है, क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको बारे में पढ़ना। माइक जिसका ऑन है बंद कर दे, उनको साउंड आ रही है, दूसरों को डिस्टर्ब होगा। माइक जिस किसी का भी आ रहा है वो माइक अपना बंद कर दे, हम बार बार वार्न कर रहे हैं। ओके बंद हो गया, अब नहीं आ रही वॉइस। ठीक है, तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है कम्प्लीटली, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है कि हमें रक्त समूह के बारे में पढ़ना है। अब कितना टाइम बचा है, देखें, देखना जरा टाइम। 19, यानी कंप्लीट 20 मिनट बचा है। 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि कम्प्लीटली ब्लड ग्रुप का खत्म हो जाए। ब्लड ग्रुप में ज्यादा पॉइंट नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है। ब्लड ग्रुप शुरू कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप। आप लोगों कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ठीक है, ब्लड ग्रुप शुरू करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडिस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडिस्टीनर, उस दिन भी हमने ये बात आप लोग तो बताई थी। और यह रहेगा सन 1902। कार्ल लैंडिस्टीनर, STINER। ठीक है, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडिस्टीनर ने सन 1902 में की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज यानी रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडिस्टीनर ने सन 1902 में की थी। और ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम दिया गया था वो ABO सिस्टम दिया गया था, कि यानी उनके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे। कौन कौन से, ए और बी और ओ, यानी उनका ABO सिस्टम चल रहा था। बाद में ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, और एंटीबॉडी को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, बाद में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के अनुसार रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, कौन कौन से, ए बी तथा ओ में बांटा गया। ए के पास कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बी वाला, NTB, या फिर उसको मेडिकल लैंग्वेज में अल्फा भी कहा जा सकता है, अल्फा एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, बी के पास क्या पाया जाता है, NTA एंटीजन पाया जाता है, यानी इसको बीटा में भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, AB के पास अल्फा एंटीजन और बीटा एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, अल्फा एंटीजन और बीटा एंटीजन, सॉरी इसके पास ऑप्शन होता है मैम, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी मतलब ए के पास कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, NTB यानी अल्फा एंटीजन पाया जा रहा है, बी के पास कौन सा एंटीजन पाया, NTA यानी बीटा एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है, AB के पास कोई एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है, AB के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, और ओ के पास अल्फा एंटीजन और अल्फा के साथ बीटा एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मींस NTA भी होता है और NTB भी होता है, अल्फा मतलब NTB और बीटा मतलब NTA, यहाँ पर सामने आप लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार और बता रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के पास की, मतलब ए के पास NTB यानी अल्फा पाया जाता है एंटीजन के रूप में, बी के पास NTA यानी बीटा पाया जाता है एंटीजन के रूप में, AB के पास कोई एंटीजन, कोई प्रतिरक्षी कोई प्रतिजन पाया ही नहीं जाता है, और ओ के पास अल्फा तथा बीटा एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड, कुछ दिक्कत है। एक्चुअली ये एंटीजन नहीं है, ये थोड़ा सा हम बस यही उल्टा बता दिए कंप्लीटली, ये एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी, प्रतिजन हम अभी बताने वाले हैं, बस यही कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए हम मतलब माफी चाहते हैं। प्रतिजन, एंटीजन, ठीक है, अब जो हम बता रहे थे वो एकदम मतलब अब जो है एकदम करेक्ट जा रहा है कि एंटीजन, ए के पास एंटीजन ए होता है, बी के पास एंटीजन बी होता है, AB के पास एंटीजन ए तथा बी दोनों पाया जाता है, और ओ के पास एंटीजन पाया भी नहीं जाता है, बस इतना सा ही। और अगर इसकी क्वांटिटी लिख दे कि इंडियन में कितना पाया जाता है, तो ये 23% होता है,
और ये शायद मतलब बी वाला ज्यादा होता है, बी वाला 34.5% होता है इंडियन के हिसाब से, इंडियन पॉपुलेशन के अनुसार। यानी एंटीजन लगभग मतलब ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो 23% लोगों में पाया जाता है, बी वाला जो आप एंटीजन है वो 34.5% लोगों में पाया जाता है, और जो एबी वाला ब्लड ग्रुप है वो 7.5% लोगों में पाया जाता है, और जो ओ वाला ग्रुप है वो 34.5% लोगों में पाया जाता है। ये भारतीय जनगणना के अनुसार लोगों में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप है, तो इसके बारे में हम बता दिए। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम ज्यादा नहीं लेंगे, सिंपल सा टॉपिक है, काफी इजी सा टॉपिक है। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में पाया जाता है, किसके पास कौन सा एंटीबॉडी पाया जा रहा है, किसके पास कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, सामने चार्ट बना हुआ है। इन नॉर्मली आपको जीएनएम के बुक में या फिर 10th की बुक में या फिर 12th की बुक में, 10th के साइड बुक में यानी राजीव प्रकाशन की जो यूपी बोर्ड की बुक आती है उसमें मिलेगा, 12th के साइड बुक में या फिर 12th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा जनरली, और उसके साथ साथ नीट वीट के एग्जाम में जनरल सा चार्ट है काफी इजी, तो इसलिए इस पर हम ज्यादा जोर नहीं देते हैं। ये आज चार्ट आपको कहीं और आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, इसको हम कम्प्लीटली मिटा देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें तो अब हम एक और साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं जिनका नाम है विनर। इसके बारे में भी हमने आपको परसों बताया था कि आर एच फैक्टर की खोज दो साइंटिस्ट लोगों ने मिल के किया था, आर एच फैक्टर की खोज दो साइंटिस्ट लोगों ने मिल के किया था, और ये मतलब आर एच जो नाम पड़ा है वो रीसस बंदर के नाम पे पड़ा है, रीसस बंदर के नाम पे पड़ा है, रीसस मंकी के नाम पे पड़ा है, ठीक है। और आर एच इसलिए इसको आर एच फैक्टर कहा जाता है, रिसर्च नाम है, आर एच आगे का ले लिया जाता है, ठीक है। कोई कमेंट भाई? 4 कमेंट, वीडियो नहीं चल रहा, चल नहीं नहीं चल रहा भाई, आधे लोग का कमेंट है चल रहा है, आधे लोग का कमेंट है नहीं चल रहा है, तो फिर क्या कहा जाए, हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारी वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा कुछ बोर्ड का काम नहीं है, अब बस मतलब आप लोग लिखते हैं तो उसके लिए बोर्ड का काम आता है, कंप्लीटली आगे चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग यानी कार्ल लैंडिटिनर और विनर ने सन 1946, अब यहाँ पर हम ईयर चेंज कर देते हैं, 1946 कर देते हैं, सॉरी 46 नहीं 40 रहेगा, सन 1940 में विनर और कार्ल लैंडिटिनर ने मिलकर आर एच फैक्टर की खोज की थी। आर एच जो नाम है किसके नाम पे पड़ा है, बंदर के नाम पे पड़ा है, किस बंदर के नाम पे पड़ा है, मार्कर कहीं खत्म हो गए, किस बंदर के नाम पे पड़ा है, रिसस बंदर के नाम पे पड़ा है, ठीक है। आर एच फैक्टर जो है वो रिसस बंदर के नाम पे पड़ा है, और इसमें होता क्या है कि एक एंगुलिटी नोजल प्रोटीन, ठीक है, एक विशिष्ट टाइप का प्रोटीन पाया जाता है एंगुलिटी नोजल प्रोटीन, ठीक है। तो एंगुलिटी नोजल प्रोटीन की उपस्थिति जिनके ब्लड के अंदर है, ये सब सपोज है हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, तो अगर हमारे अंदर ये प्रोटीन अवेलेबल है तो हम क्या बताएंगे, ओ पॉजिटिव, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, और जिसके अंदर ये ब्लड ग्रुप नहीं रहेगा वो क्या रहते हैं, ओ निगेटिव रहते हैं, ठीक है। एंगुलिटी नोजन प्रोटीन की उपस्थिति को ओ पॉजिटिव से दर्शाया जाता है, और एंगुलिटी नोजन प्रोटीन यदि नहीं पाया जाता है तो उसको ओ निगेटिव से दर्शाया जाता है, ठीक है। और लगभग 97% ऑफ इंडियंस में आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, यानी ये जो प्रोटीन है ये पाया जाता है 90% इंडियंस में, 97% इंडियंस जो है जो वो ए पॉजिटिव होते हैं या फिर बी पॉजिटिव होते हैं या फिर ए बी पॉजिटिव होते हैं या फिर ओ पॉजिटिव होते हैं। निगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, निगेटिव लोग मतलब निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो काफी कम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक रोग की जो कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस है, कौन सा रोग है, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फर्टिलिस, ठीक है। ये जो रोग है ये गर्भावधि काल में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब होता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा समीकरण है, जो लोग इससे पहले अभी तक मेंडल का रूल मतलब मेंडल का नियम नहीं पढ़े हैं उनको ये समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसका रोल क्या होता है, पर जो लोग मेंडल का रूल पढ़ चुके हैं उनको समझाना काफी इजी होता है, क्योंकि मेंडल के रूल में ही मेंडल के रूल के बेसिस पे ही मेंडल के नियम के अनुसार ही ये कम्प्लीटली काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि जो लोग पॉजिटिव मतलब जैसे यहाँ पर दो एलील या फिर दो जीन लेके चलना होता है हमें, एक नॉर्मली आर एच पॉजिटिव वाले को लेके चलना होता है, एक आर एच निगेटिव वाले को चलना होता है, ये किसका हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं मदर का एलील है, ठीक है।
ये जो लोग अभी तक मेंडल का नियम क्लियरली नहीं पढ़ा है ये चीज उनको समझ में नहीं आने वाली, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑरेंज पॉजिटिव वाले हम उनको फादर का मान लेते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में मतलब जब इन दोनों के एलील्स को मिलाया जाएगा, ये दोनों जीन के रूप में, यानी जीन के एकल रूप को एलील कहते हैं, ये सब हम बिल्कुल मतलब मेंडल का नियम पढ़ाएंगे तो काफी लेंथी क्लास हो जाएगा, 9:20 हो गया, सिर्फ 5 मिनट और एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है। तो मेंडल के नियम को हम नहीं बताते, हम डायरेक्टली बताते हैं कि इन दोनों के जब एकल रूप को लेते हैं तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट एम को समझाया कि जब पिता आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, जब फादर यानी पिता आरएच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और मदर यानी माता आरएच निगेटिव होती है, ये स्थिति आप लोगों को दिख रही है। पिता क्या है, आरएच पॉजिटिव है, माता क्या है, आरएच निगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस प्रोटीन, यानी इससे पहले हमने जो बताया था एंगुलिटी नोजन प्रोटीन, एंगुलिटी नोजन प्रोटीन, ये एक विशेष टाइप का क्या है, इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम एंटीजन का नाम लेते हैं, ये कि एक विशेष टाइप का क्या है, एंटीजन है। अब फादर में वो एंटीजन पाया जा रहा था लेकिन मदर में वो एंटीजन नहीं पाया जा रहा था, बट ऑन द टाइम ऑफ कॉपुलेशन बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव हो गया। तो मतलब अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड आरएच निगेटिव वाले किसी पर्सन को देते हैं तो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आप लोग एकदम क्लियर करके रहे, क्योंकि इस चीज में अब तक हम इससे पहले जिन लोगों को पढ़ाया था उन लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रही थी, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि फर्स्ट टाइम अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आरएच निगेटिव वाले को दिया जाए तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आरएच निगेटिव के पास एंटीजन बने नहीं होते, इनके पास एंटीजन नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो आरएच निगेटिव वाले एंटीजन बनाना शुरू करते हैं जब फर्स्ट टाइम आरएच निगेटिव वालों को, यानी जब फर्स्ट टाइम ये एंटीजन पहुंचा, एंगिओटेंसिन प्रोटीन पहुंचा दूसरे ब्लड में, तो वो उसके विरोध में अपना सेना तैयार करने लगे, और जब सेकेंड टाइम ये पहुंचेगा तो फिर ये इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली मार देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस के अकॉर्डिंग जो अगर फादर आरएच पॉजिटिव होते हैं और मदर आरएच निगेटिव होती है, फॉर एग्जाम्पल फादर इज ओ पॉजिटिव एंड मदर इज ए निगेटिव, अगर ऐसी करो, सॉरी इसको पॉजिटिव दिखाना है, ठीक है, फादर इज ओ पॉजिटिव और मदर इज ए निगेटिव, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जो फर्स्ट बेबी होगा वो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये ए पॉजिटिव कैसे आ रहा है इसको भी बता दिया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट बेबी होगा वो क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, और ऐसी कंडीशन में वो सेफली पैदा तो हो जाएगा, ठीक है, वो सेफ पैदा तो हो जाएगा, लेकिन मदर में एंटीजन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इस थ्योरी पे थोड़ा सा डिटेल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही एक बस डिजीज है जिसके लिए आज संग्रह में पढ़ना पड़ता है, कि हम क्या बता रहे हैं कि अगर फादर ओ पॉजिटिव है मदर ए निगेटिव है, ओ ए मतलब ए बी ओ से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे में जो बेबी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और सेफली पैदा हो जाएगा फर्स्ट बेबी, बट ऑन द टाइम ऑफ सेकेंड बेबी अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में मदर के ब्लड के अंदर कंप्लीटली एंटीजन बन चुके रहते हैं, जबकि फर्स्ट बेबी के अनुसार फर्स्ट बेबी के टाइम एंटीजन बनने शुरू हो रहे होते हैं और सेकेंड बेबी में कंप्लीटली एंटीजन बन चुके होते हैं। तो फर्स्ट बेबी क्या करता है, उससे डिफेंस कर लेता है क्योंकि एंटीजन अभी बन रहे होते हैं, और सेकेंड बेबी कंप्लीटली डिफेंस नहीं कर पाता है। यदि किसी कंडीशन में मदर का ब्लड बेबी के ब्लड में जाता है और ब्लड बैंक बैरियर से मिक्स हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो सेकेंड बेबी होगा वो डेड कर जाएगा, और यही हमारी थ्योरी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस की। और इसीलिए बस हम आरएच फैक्टर, इरिथ्रो फैक्टर, ये जो मदर का फैक्टर है ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को किसी को भी कोई डर, क्योंकि अब बस टॉपिक खत्म हो गया, हम 9:30 तक क्लास लिए थे, 9:23 से ही खत्म हो रहा है, अब इससे ज्यादा हमको और कुछ नहीं पढ़ाना है। ब्लड ग्रुप डिवीजन हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेंडल का नियम नहीं पढ़ा है, और जो जिन लोगों ने हमसे मेंडल का नियम पढ़ा है उनको हम ऑलरेडी ब्लड ग्रुप डिवीजन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप डिवीजन पे हम टाइम नहीं दे रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड जा रही है, तो हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, आप लोग कमेंट करिए जरा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन, एनी कमेंट। हाँ ओके, तो आप लोगों का कोई एक बार फिर से, अच्छा रियांशी का कमेंट है कि एक बार फिर से,
ठीक है, हम एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है, एक बार और अच्छे से पूरा चार्ट बना के समझा दे रहे हैं कि ये थ्योरी का मतलब क्या होता है, इस थ्योरी का रोल क्या है, ठीक है। इसको मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हम, डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग मेंडल का नियम नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ही लोग पढ़ रहे हैं, इसको डायरेक्टली समझा रहे हैं, डायरेक्ट समझना भी हार्ड नहीं है, इजी है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो ब्लड ग्रुप कजन्स है, ठीक है, एक जगह फादर के ब्लड ग्रुप कजन्स है और दूसरी जगह मदर के ब्लड ग्रुप कजन्स है, ठीक है, एक जगह फादर के ब्लड ग्रुप कजन्स है और दूसरी जगह मदर के ब्लड ग्रुप कजन्स है। तो अगर हम मान लेते हैं फादर का कोई भी ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, ए बी है, ओ है, वो मैटर नहीं करता, हम बी पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, फादर पॉजिटिव, अगर फादर निगेटिव है तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिटी कंडीशन बनेगी ही नहीं, बात ही खत्म, ठीक है। अगर फादर पॉजिटिव हो रहा है यानी वो बी पॉजिटिव हो गया, या फिर किसी कंडीशन में फादर का ब्लड पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप हम मान ले रहे हैं ओ निगेटिव हो गया है, या फिर ये किसी कंडीशन में मदर का ब्लड ग्रुप क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, यानी जो आने वाला बेबी होगा, पॉपुलेशन होगा, तो बेबी बी ओ मिलेगा तो ओ रेसेसिव हो जाता है और बी डोमिनेंट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मेंडल नियम, जो लोग मेंडल का नियम पढ़े ये समझ रहे होंगे कि बी डोमिनेंट पर हो जाता है, ओ रेसेसिव हो जाता है, तो ऐसे में आने वाले बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट बेबी जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या है, एक टाइप का एंटीजन है, एंगुलेटिनोजन प्रोटीन क्या है, एंटीजन है, तो ये एंटीजन है, ठीक है, और ये एंटीजन जब इनके ब्लड से मिक्स होगा, जब ये एंटीजन यानी इनमें भी एंटीजन पाया जा रहा है और ये दोनों एक ही बॉडी में, यानी माँ के बॉडी में ही बेबी है और ये इसमें एंटीजन पाया जा रहा है, तो माँ के ब्लड में जाएगा ही जाएगा, और जब ये एंटीजन माँ के बॉडी में जाता है तो माँ की बॉडी उसके विरोध के लिए, उस एंटीजन यानी एंगुलेटिनोजन प्रोटीन के विरोध के लिए अपनी सेना खड़ा कर देती है कि नहीं, अगली बार अगर ये आया तो हम इसको नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट बेबी जो होता है वो सेफली बॉर्न हो जाता है, सेफली पैदा हो जाता है, बट अगर सेकेंड बेबी होता है तो इसमें एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, यानी ओ निगेटिव के पास पॉजिटिव वाले के लिए लड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए सेना ऑलरेडी इसके पास है, इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं, प्रतिरक्षी कंप्लीटली बन चुके हैं, तो सेकेंड टाइम में ये ऐसा नहीं होने देते। अगर किसी कंडीशन में बेबी का ब्लड माँ के ब्लड से मिक्स होने जाता है तो एंटीजन उसको देगा नहीं, बल्कि ये एंटीबॉडीज बीच में दे देगी, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई हो जाएगी और बेबी का जो ब्लड है वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी जो आरबीसी होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे। इसमें होता क्या है इस रोग में, कि आरबीसी जो होते हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, और जब आरबीसी आपस में चिपक जाएंगे, जब बच्चे के अंदर के सारे आरबीसी एक क्लॉट करके जम गए तो बच्चा मर जाएगा। पर आजकल साइंस इतना आगे जा चुका है कि फादर का ब्लड ग्रुप पहले ही चेक हो जाएगा, मदर का ब्लड ग्रुप पहले ही चेक हो जाएगा, बॉर्न के मतलब बेबी जब बॉर्न होता है तो प्लेसेंटल बैरियर को और ब्लड बैंक बैरियर को काफी सेफ्टी दिया जाता है, मदर को पहले ही बता दिया जाता है कि मतलब आपका बेबी जो है पॉजिटिव है और आप निगेटिव है, तो आपको इन इन चीजों का ध्यान देना है, ये करना होगा, आपको धक्के मुक्के से बचना है, नहीं तो अगर किसी कंडीशन में मदर का ब्लड बेबी के ब्लड में जाता है तो आपका बच्चा मर सकता है, पहला बच्चा सेफ होगा, दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे की जब बारी आती है तो ये कंडीशन पेशेंट को पहले ही बता देती है कि नहीं आपके साथ ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया है। और ब्लड ग्रुप के बारे में हम एलील और जीन होता है जो आई ए आई ओ आई जी इन सब के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे मतलब बस लिख देते हैं शॉर्टली, बताएंगे नहीं ज्यादा कुछ, शॉर्टली लिख देते हैं। कितने लोग क्लास में रह गए हैं, 10 लोग कम्प्लीटली, वाह, हमें लगा खत्म हो गए होंगे अब तक, क्योंकि जैसे जैसे 1 घंटे का टाइम खत्म होता है वैसे वैसे लास्ट में लोग जाने लगते हैं, सबको भूख लग जाती है, खाने चले जाते हैं। तो अगर ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के पास 2 टाइप के एलील पाए जाते हैं, आई ए और आई ओ, ठीक है। बी की बात करें तो आई बी और आई बी और आई ओ, ठीक है, और अगर ए बी वाले की बात करें तो आई ए और आई बी, और ओ वाले की बात करें तो इसके पास एक ही एलील होता है, आई ओ और आई ओ। इसके बारे में हम आपको कंप्लीट नहीं समझा रहे हैं कि किसका किसके साथ कंबाइन होता है, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है या फिर इसका इसके साथ लेंगे तो वो डिपेंड करता है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, तो ये सारी काफी लंबी प्रोसेस रहेगी, इसको आज की क्लास में नहीं बताएंगे, ठीक है। और सर्कुलेशन का सिस्टम समझा दिया जाए तो सर्कुलेशन का सिस्टम 2 टाइप का होता है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बता दे रहे हैं, ये एक पॉइंट सोच रहा था। सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है, एक इंट्रा सेलुलर होता है यानी अंतर कोशिकीय होता है सेलुलर, एक अंतर कोशिकीय होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है यानी बाह्य कोशिकीय होता है, बाहर की तरफ से होने वाला। तो मनुष्य क्या है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है,
और इंट्रा सेलुलर कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं, यानी जब एक कोश की जो मतलब एक कोश की जीवन, जब शरीर जब बॉडी कंप्लीटली एक ही कोशिका की बनी है, तो ऐसी कंडीशन में उनको उनके ब्लड को फ्लो होने के लिए वो कोशिका के बाहर तो फ्लो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अब एक कोशिका की शरीर बनी है तो जो ब्लड है वो एक कोशिका के अंदर ही फ्लो करेगा, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें इंट्रा सेलुलर ऑर्गेन्स कहा जाता है, यानी उनमें जो रक्त परिसंचरण हो रहा है, जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है, वो एक सेल के अंदर ही कर रहा है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, यानी सेल के बाहर जो ब्लड ट्रेवल करता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो ह्यूमन का जो ब्लड है वो ब्लड सेल्स के बाहर होता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेन यानी एक कोश की जो जीव होते हैं उनमें जो ब्लड ट्रेवल करता है वो इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, आप लोग को जो भी आज जिन लोगों को आज जो भी मतलब नेट की प्रॉब्लम आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कम्प्लीटली प्लान बनाए हैं कि नहीं हम अनलिमिटेड नेट वाला मतलब पोस्टपेड प्लान लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को नेट की प्रॉब्लम आने वाले समय में यानी 4-5 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था 2 दिन में लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लाइट भी प्रॉपर रहेगी और बोर्ड पे चमके घर में, तो ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई है। तो नेट की प्रॉब्लम, वीडियो लैग की प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी जो नहीं आ रही, वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ ये, उन सभी प्रॉब्लम के पीछे एक ही रीजन है कि नेट जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है उनको, जो स्पीड रहती है वो काफी कम होती है, डेली डाटा मोबाइल की लिमिट है और उसके लिए मतलब डेली नॉर्मल सा नेट है तो उसमें काफी कम स्पीड मिलती है। पोस्टपेड प्लान लेंगे, अनलिमिटेड डाटा का लेंगे, जिसमें हम पर डे 10 GB 15 GB जितना भी यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो प्लान आ जाएगा तो ये सारे क्लासेस की वीडियोस जो रिकॉर्ड हुए उनको हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग बाद में क्लास कोई क्लास मिस कर दिए तो उसको बाद में भी देख सके। और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि मतलब उसके बाद वो जब नेट चलेगा तो ऑलरेडी वीडियो की क्वालिटी सही हो जाएगी, आपको साफ साफ दिखेगा, ऑडियो की क्वालिटी सही होगी, बीच में लैग नहीं करेगा। तब तक आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह क्लास में बने रहिए, और आज की क्लास इसी के साथ ओवर होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय। कमेंट आप लोग जरूर करिए अगर कुछ नहीं समझ में आए तो।